इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। अब जब पहले 6 दिन से दौरा कर रहे थे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने काफ़ी बातें की हैं। फिर बाद में उनकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से भी हो गई है, जो कि वहाँ का जो असल में कतरदरता है शख्सियत है। और उस पर मैं ये कहा है कि आर्मी चीफ ने उनको यकीन दिलाया है कि हरमैन शरीफ़ीन का दिफा यकीनी बनाएंगे। उन्होंने फिर इसके जवाब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, अमन इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान किरदार काबिल तारीफ़ है। और इस लिहाज से देखा जाए तो फौजी पहलुओं को जायजा लिया गया और सिक्योरिटी इस्तेकाम बरकरार रखने के लिए मुश्तरक बढ़ाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसके बाद में जब ये गए हैं इमरान खान साहब, तो उनको सऊदी अरब के वलीयत खुद लेने के लिए आए और उनको रॉयल टर्मिनल पर रखा गया। ये एक जो तो उनका तरीका होता है, जिसको इज्जत देते हैं वो लोग, फिर ये तरीका करते हैं। फिर तवानाई मसलात और ट्रांसपोर्ट के शोबों में 50 करोड़ मालियत की आनंद के फ्रेम वर्क की मफाद में दस्तखत किए गए। और इसके अलावा यानी कश्मीर के मसले के पुरमन हल, अफगानिस्तान के अमन भावत अमल से मुतलिक कोशिश से भी पाकिस्तान ने उसको आगाह किया, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है कश्मीर के मामले में कोई कॉन्फ्रेंस बुलाने का कोई इकरार नहीं किया है। जो हम समझते हैं कि ये देखिए, जो एक बड़ी अहम बात हुई है वो ये हुई है कि इमरान खान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान में एक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल बना दी गई है, जो कि पाकिस्तान के अहम अहदेदारों और सऊदी अरब के अहम अहदेदारों पर मुश्तमिल होगी। जी मेरे साहब, इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए सीनियर सफी शाहिद अमीन साहब टेलीफोन पर मौजूद हैं। जी शाहिद अमीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिर्ज़ा साहब, कैसे हैं? बरादर मोहतरम, आपका सऊदी अरब का मौजू है और आप हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? इसको देखते हैं, मैं ये समझता हूँ क्रिटिकल एंगल से तो आप इसको बेहतर तौर पर संवार देंगे मामले को। मेरी जहन को मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका ने जो इसको मोहम्मद बिन सलमान को जो हमारे पीछे लगाया हुआ था पहले भी, और अब उन्होंने खुशामद पे उतराए हैं और अपने मामलात में को ठीक करने के लिए वक्ती तौर पर पाकिस्तान से बेहतर किया है। और पाकिस्तान को अमेरिका ने तो एंगेज करने से कहा से मना कर दिया है, लेकिन थ्रू सऊदी अरबिया वो एंगेज कर रहे हैं। जी फरमाइए अब आप। देखिए मिर्जा साहब, मेरे ख्याल में ये दौरा बड़ा अहम था और कामयाब भी है, क्योंकि मसला ये था कि पिछले एक साल से या 1.5 साल से पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात में बात दुश्वारियां आ गई थी, और उसका की वजह तो यही थी कि प्रिंस सलमान की, मोहम्मद बिन सलमान की जो खारजा पॉलिसी है वो ऐसी थी जिससे पाकिस्तान जो था कम अज़ कम उसमें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चल नहीं सकता था। यानी कि वो चाहते थे कि यमन के मामले में हम इन्वॉल्व हो जाएं, जो हमने सही तौर पर फैसला किया गया है, हम इस बारे में एक न्यूट्रल स्टांस है। और कतर के बारे में उन चाहते थे उनके हमनवा हो जाएं, लेकिन कतर से भी हमारे बहुत अच्छे बरादराना और बड़े अहम ताल्लुकात हैं, वो हमने उनका साथ नहीं दिया। फिर उनकी ज़्यादा एक किस्म का कंसर्न ईरान था, ईरान को एक किस्म की कन्फ्रंटेशन उनकी जारी थी और उसमें भी उनकी ये तवक्को थी कि पाकिस्तान उनके साथ होगा, लेकिन पाकिस्तान खुद ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहता है, हमारा पड़ोसी है। हमारा एक अलग मसला है कि एक तरफ ईस्ट में इंडिया, अगर वेस्ट में इंडिया ईरान भी हमसे नाराज़ हो जाए तो हमारी तो स्ट्रेटेजिक हालात और बिगड़ सकते हैं। तो हमने जो फैसले किए मैं समझता हूँ सही थे, इसका ये मतलब नहीं था कि हम सऊदी अरब के साथ नहीं हैं, लेकिन अगर सऊदी अरब किसी और मुल्क में जाके कोई अपना एक नया कोई टेंशन क्रिएट कर दे तो ये तवक्को करना कि पाकिस्तान भी उसमें उन सऊदी अरब के साथ होगा, ये तो उनकी मेरे ख्याल में एक मुनासिब रवैया नहीं था। लेकिन बहरहाल तो उनके ताल्लुकात की इतनी अहमियत थी कि हमने बिल्कुल एक किस्म का फॉरबेरेंस जो कहते हैं कि बर्दाश्त वाला तस्लीम वाला पहलू रखा और अपने तौर पर कोई ऐसी बात नहीं की जो कि सऊदी अरब को नागवार गुजरती, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों के ताल्लुकात की क्या अहमियत है। कोई इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं है जिसने पाकिस्तान की इतनी मदद की है जितनी कि सऊदी अरब ने की है। फिर आपको मालूम है सिक्योरिटी की फील्ड में, तजारत की फील्ड में, मैन पावर में 25 लाख पाकिस्तानी उधर हैं, उनकी रिमिटेंसेस कितनी अहम है,
तो हमें पूरी अंदाजा है कि किस कदर सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अहम है। वक्ती तौर पे उनमें कोई दुश्वारी आई थी, लेकिन मैं समझता हूँ इस दौरे के बाद वो दुश्वारी खत्म हो गई है और यही इसकी कामयाबी है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये हमारे साथ मुखलिस रहेगा एमबीएस? देखिए जी, मुखलिस तो कहना मुश्किल है, क्योंकि बड़ा इस्तराबी है उसका ज़हन है, इस्तराबी उसकी मफाद पे बनती हैं, और उनका ये बज़ाहिर मफाद नहीं है कि इस वक्त इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात में कोई खराबी आए। तो इसीलिए आपने देखा कि बावजूद हमारी कोशिश के कश्मीर पे अभी उनकी तरफ से खामोशी है, कम से कम पब्लिकली उन्होंने कुछ नहीं कहा। हो सकता है अंदरूनी तौर पे डिप्लोमेटिक चैनल से कुछ कहते हों, लेकिन वो हमारी तवक्कात के मुताबिक नहीं है। मतलब है ओआईसी को अपना उन्होंने बगल बच्चा बना लिया है, अपने घर में कैद कर रखा हुआ ओआईसी को। जी हाँ बिल्कुल, ओआईसी तो एक लिहाज से सऊदी अरब की के हाथ की एक चीज है, जो ओआईसी वही करती है जो सऊदी अरब चाहता है। इवन इस्लामोफोबिया जिसपे इस वक्त हमारी फ्रांस के साथ एक कम की मुश्किल आई हैं, और हम चाहते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान अकेला खड़ा हो, भाई आखिर ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं, सारे मुसलमानों का है। जी। तो हमने बिल्कुल एक एक, एक, एक वाजे पोजीशन ली है, लेकिन सऊदी अरब खामोश है, ईरान खामोश है, मिस्र खामोश है, सारे इस्लामी मुल्क खामोश हैं, पाकिस्तानी अकेला खड़ा हुआ। एक फ्रांस में जो नहायत ही नामुनासिब बातें हुई थी उनकी मुखालफत के लिए हमने स्टांस दिया था, किसी और इस्लामी मुल्क ने पोजीशन नहीं ली। हमारा ख्याल था कि सऊदी अरब तो लेगा, लेकिन उसने भी नहीं ली है पोजीशन। तो अभी कमजोरियां तो नजर आती हैं, लेकिन उम्मीद है कि वक्त के साथ जो है ये मामला जो है बेहतर से बेहतर हो जाएगा। अच्छा जब शाहिद अमीन साहब, देखिए ना, आप तो मैंने बहुत जगह पर रहे हैं, जिस तरह का मुस्तरब आदमी है ये एमबीएस, मुझे इस पर ये एक तो ये है कि उन्होंने जो मैंने जो स्टडी की है वो ये कि उन्होंने इनका निसाब जो है पूरा का पूरा अमरीका उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, और वो 9/11 के जो वाक़यात हैं उसमें जो क्योंकि पूरे सऊदी थे या कतरी थे, तो उसकी वजह से उन्होंने ये कर लिया। यूएई के लोग थे तो उनमें इसने ये कहा कि वो जो उनके खिलाफ फैसला आया, इसके बाद में इन्होंने ब्लैकमेलिंग की है, और जो उनके उसके जो दामाद को मैंने सुना, जो ट्रंप का जो दामाद था उसने कहा कि हमने इनका जो निसाब है उसे कब लिया, जब वो रहमान पढ़ा रहे हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ ये हूँ कि अगर हमें उस एंगल से जो देखते थे कि हमारा ब्रदर मुल्क है, जो उनके बुज़ुर्ग थे वो तो हमारे सारे मुसलमान थे और हमारी बड़ी मदद करते थे, ये तो इस वक्त जो है मुसीबत में पड़ा हुआ है क्योंकि चारों तरफ से घिर गया है। अब आप जानते हैं सऊदी अरब की सरजमीन कितनी वसी है, अगर तमाम दुनिया की फ़ौज भी वहाँ आके लग जाए तो भी सऊदी अरब का दिफा नहीं कर सकते, क्योंकि इतना वनरेबल है कि कहीं पर आप केक के ऊपर बम फट जाए, कहीं पर जो है वो पाइपलाइन पर चार पाइपलाइनें वहाँ से गुजर रही हैं, किसी एक पे फट जाए तो वो नहीं कर सकते। तो अब उसके पास तुर्की से सुलह कर रहे हैं, ईरान से सुलह कर रहे हैं, और पाकिस्तान से फिर उनकी मजबूरी ये है कि उनको करें। तो आप यूँ कह सकते हैं कि मजबूरी के तहत तो ऐसा कर रहा है, मैं ये बात सही समझ रहा हूँ? देखिए जी, तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो ये जो इस बुड्ढे का वीडियो मैंने आपको देखा होगा, इसका वीडियो एक अपलोड किया था जो कि काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें ये फ्रेंच प्रेसिडेंट और फ्रांस में न्यूक्लियर बम मारने की धमकी दे रहा था। मतलब जो आपको पता होगा, इसने बोला था कि हम फ्रेंच का बायकॉट करेंगे, हम मुग़ल हैं, हम ऑटोमन एम्पायर से हैं, मतलब इसका इस तरीके का कुछ कमेंट था। तो अब ये सऊदी अरब वालों को भी नहीं छोड़ रहा है, ये आपने देखा होगा इस वीडियो में कि रामायण को लेकर सऊदी अरेबिया को कमेंट पास कर रहा है, और सऊदी अरेबिया के जो एमबीएस हैं उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। बेसिकली मामला ये है कि अभी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सऊदी अरेबिया का दौरा किया। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से ये उम्मीद कर रहा था कि कश्मीर के मामले में कुछ साथ देगा सऊदी अरेबिया, और ऐसा कुछ कर देगा जिससे कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का मतलब कुछ पक्ष हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको बता दें दोस्तों कि सऊदी अरेबिया ने क्लियरली बोल दिया कि ये आपका मामला है, आप जानो, यहाँ पर ओआईसी मतलब मुस्लिम जो देशों का संगठन है उसमें ना कश्मीर की बात होगी ना हम करेंगे, सीधा उनने क्लियरली बोल दिया। तो अब पाकिस्तान की तो ऐसी तैसी होनी थी, पाकिस्तान दूसरे इरादे से गया था कि इनको कुछ पैसे मिल जाएंगे, सऊदी अरेबिया वालों ने ना पैसे दिए ना कश्मीर पर कुछ बात की। अब थोड़ा बहुत जो पाकिस्तानी वहाँ पर इतने सारे रहते हैं उनको निकाल रहे थे वो, तो ये इमरान खान लोग गए पैर वैर पड़े उनके, भैया ये तो ना करो कम से कम, मतलब यही बात की होगी कि पाकिस्तानियों को तो ना निकालो, क्योंकि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान के 20-25 लाख लोग हैं।
तो वो पैसा कमा कर भेजते पाकिस्तान में, तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को पैसा तो आता है। तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ये तो ना करो आप। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा कितना सक्सेसफुल रहा ये तो अभी पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि अभी आज वो वहाँ से दौरा कंप्लीट कर वापस आ रहे हैं। लेकिन ये बात तो क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान का कश्मीर मामले में सऊदी अरेबिया ने कोई भी साथ नहीं दिया है, और पाकिस्तान एक नया इस्लामी ग्रुप बनाने गया था टर्की के साथ। तो टर्की भी आपको पता है, टर्की एक ऐसा देश है जो पीछे से बस बोलता है कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वॉइस तुमसे होगा कम ऑन, मतलब पीछे से मोटिवेट करता है, पैसे वैसे तो देता नहीं है। तो अब देखते हैं आने वाले समय में होता क्या है। गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।